आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल अनुभव विद्रोह में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा लेसन। आज हम सीखेंगे मैथ्स में गुणा यानी मल्टीप्लाई, जो होगा आपका 12 और 13 संख्याओं का। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और इनको हल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का हमारा मल्टीप्लाई, जो कि होगा आपका 12 और 13 संख्या का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आज का जो हमारा मल्टीप्लाई है, सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई है 12 का। अगर एग्जाम में बैठे और आपका 12 से मल्टीप्लाई आ जाए किसी भी संख्या के साथ, तो आपको 5 या 10 सेकेंड में निकालना हो तो वो किस प्रकार निकालेंगे। तो आज हम दो ट्रिक लेके आए हैं, पहली ट्रिक ये है और दूसरी ट्रिक ये है। अब हमें इस ट्रिक को इसमें फॉलो करना है। ठीक है, 35 को बार हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ट्रिक को देखना है, हमें सबसे पहले ट्रिक में दिया हुआ है कि दी हुई संख्या के अंत में 0 प्रत्यय के रूप में जोड़ें। अब 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी संख्या आपको दी हुई है, जो कि दी हुई है आपको 35, तो 35 यहां पहले लिखना है, उसके बाद इसमें 0 प्रत्यय के रूप में अंत में जोड़ देना है। इतना तो ये पहली ट्रिक के अनुसार हो गया। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक में चलते हैं, दी हुई संख्या को दुगुना करके प्राप्त संख्या में जोड़ दें। हमें प्राप्त संख्या कौन सी हुई अब की बार, 0 लगाने के बाद 350 आई है। उसके बाद में 12 से जो मल्टीप्लाई करने के लिए संख्या दी हुई है 35, इसका अब की बार हमें दुगना करना है। तो 35 का दुगना करेंगे तो वो आएंगे 70, और इसमें अब की बार हमें इसमें जोड़ देना है। बस यही ट्रिक है दोस्तों, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 7 और 5 हुए आपके 12। ठीक है, हासिल का बचा हमारा 1, 3 और 1 हुए हमारे 4। तो 420 इसका आंसर निकल गया आता है इन दो ट्रिकों को फॉलो करते हैं, मात्र 5 या 10 सेकंड में। अब दूसरे एग्जांपल में हम चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि 445 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली ट्रिक है कि दी हुई संख्या के अंत में प्रत्येक रूप में जोड़ें, जो कि 12 से मल्टीप्लाई करने के 445 है। तो 445 के आगे हमें शून्य प्रत्येक रूप में जोड़ना है जो कि अंत में। ठीक है, और दूसरी ट्रिक क्या है कि जो संख्या दी हुई है 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए उसे दुगुना करके जोड़ दें। तो 445 हमें संख्या दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो 445 का दुगुना करेंगे कितने आएंगे, वो आएंगे आपके 890, यानी 45 45 90, 448 यानी 890 आएगा आपका। और इसे अब की बार हमें इसमें जोड़ना है, तो 0 को 0 और 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 9 और 5 कितने आपके 14, हासिल का बचा 1, और 8 और 4 12, 12 और 1 13, हासिल का 1 बचा, फिर से 4 और 1 5। तो 5340 दोस्तों इसका भी आंसर निकल के आता है इन दो ट्रिकों को फॉलो। थोड़ी सी बड़ी और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो आप, जैसे हमें दिया हुआ है 1205 को हमें अब की बार मल्टीप्लाई करना है 12 से, 1205 को। तो 1205 के आगे हमें एक प्रत्येक रूप में शून्य जोड़ना है, और 1205 का दुगुना कितना होता है, 1205 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये निकल गया था आपका 2410। तो 2410 को आपको इसमें जोड़ना है, बस 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 और 1 कितने हुए 6, 0 और 4 तो 4 आएगा, 2 और 2 4 1, तो ये निकल गया था 14460। तो इन दोनों ट्रिकों को फॉलो करते ही दोस्तों, देखो मैंने ये तीनों एग्जांपल आपको करके बता दिए हैं। अगर आप इन दोनों ट्रिकों को फॉलो करते हो तो 12 से रिलेटेड यानी 12 के साथ आपको जो भी मल्टीप्लाई दे दिया जाए आपको मात्र 5 या 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। तो चलते हैं हमारे दूसरे जो एग्जाम्पल है, वो है आपका 13, तो उसमें चलते हैं। तो दोस्तों अब की बार हमें 13 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, जो कि इन दोनों ट्रिकों को फॉलो करके। ठीक है, तो 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कौन सी संख्या दी हुई है, जो दी हुई है 24। तो सबसे पहले ट्रिक में चलते हैं, दी हुई संख्या के अंत में शून्य प्रत्यय के रूप में जोड़ें, जो कि दी हुई है 24। तो 24 के आगे हमें शून्य जोड़ना है, जो कि प्रत्यय के रूप में अंत में। ठीक, इतना तो हुआ। और दूसरी ट्रिक करते हैं, दूसरी ट्रिक में क्या दिया हुआ है कि दी हुई संख्या को तिगुना करके प्राप्त संख्या में जोड़ दें। 12 से जो दोस्तों आपका मल्टीप्लाई था उसमें था दुगुना करके, और 13 से जो मल्टीप्लाई है इसमें अब की बार हम करना है तिगुना, जो संख्या दी हुई है उसको तिगुना करके इस संख्या में जोड़ना है। ठीक है, तो 24 का तिगुना कितना होता है, यानी 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे आपके 24 दुना 72। तो 72 को अब की बार हमें इसमें जोड़ना है, जोड़ते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 7 और 4 कितने हुए आपके 11, हासिल का बचा 1, 2 और 1 3।
तो दोस्तों ये 312 आपका इन दोनों ट्रिकों को फॉलो करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई जो भी होगा, जितनी भी बड़ी संख्या दे दीजिए, आप 5 या 10 सेकंड में निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी है। अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल में। इसमें दिया हुआ है 135 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि 135 सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया। आप पहली ट्रिक में चलते हैं, जीरो प्रतीक के रूप में जोड़ना है अंत में, तो जीरो जोड़ दिया। दूसरी क्या है कि जो संख्या 13 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दी गई है उसको तिगुना करके इसमें जोड़ दें, तो 135 को तिगुना करना है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। 135 को जब हम तिगुना करेंगे तो वो आएंगे हमारे 405, और 405 को ही हमें इसमें जोड़ना है प्लस करके, ठीक है दोस्तों। तो जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा आपका, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 3 और 4 कितने हुए आपके 7 और 1 का 1, तो कितने आंसर निकल गया है आपके 1755, ठीक है। 135 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ट्रिकों को फॉलो करके, तो हमारा आंसर निकल गया था 1755। अब हमारा जो तीसरा एग्जांपल है उसमें चलते हैं कि हमें 2500 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसमें जो पहली ट्रिक है वो क्या है कि दी गई संख्या के अंत में शून्य जोड़ें, तो ये जोड़ा शून्य, और जो संख्या 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए दी गई है उसको तिगुना ही तो करना है, तो 2500 का तिगुना कितना होता है, 25 का 25 को जोड़ना, 50 25 दी 75, तो 75 को अब की बार हमें इसमें जोड़ना है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो, पांच और जीरो पांच, और पांच और सात कितने हुए आपके 12, हासिल का बच्चा 1, 2 और 1, 3, तो ये दोस्तों आपके आंसर निकल के आते हैं जो कि आते हैं 32,500। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अनुभव विथ रवि की इस अनोखी पाठशाला में आप सभी को मैथ का स्टेप बाय स्टेप कोर्स कराया जाएगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।